शहर में 11 अक्टूबर को आने वाले दशहरा पर्व के मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न मैदानों में झूले लगने शुरू हो गए हैं। दरेसी में मेला भी शुरू हो गया है। इस बार यहां शहरवासियों के मनोरंजन के लिए नए झूले शामिल किए गए हैं। दरेसी दशहरा मेले के ठेकेदार मोहम्मद नसीम ने बताया कि वह पिछले 20-25 सालों से लगातार यहाँ मेला लगा रहे हैं, जिसमें वह भारत भर से विभिन्न प्रकार के झूले लेकर आए हैं। 5-6 साल से इधर मैं झूले लगा रहा हूँ और इस बार मैं नए नए झूले लेके आया हूँ। 2-3 नए झूले लेके आया हूँ। जैसे रेंजर है, बच्चे के लिए टॉय ट्रेन है और विभिन्न प्रकार के तरह अच्छे मनोरंजन के लिए सबके पब्लिक के लिए झूले लेके आए हैं। दरेसी मैदान में पहली बार आया रेंजर नामक झूला पूरे पंजाब में अब तक कहीं भी नहीं लगाया गया है, जो कि 42 फुट ऊंचा उठेगा। इस झूले में 18 साल से ऊपर के व्यक्ति व नौजवान ही बैठ सकते हैं। मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मेले के ठेकेदार एवं समाज सेवी अशोक सरसवाल, मोहम्मद नसीम प्रधान, जोगिंदर कपूर, अकाली दल शहरी के प्रधान चौधरी मदनलाल बग्गा, भवादस के राष्ट्रीय निदेशक लक्ष्मण द्राविड़, रामलीला कमेटी के प्रधान संजीव कुंद्रा एवं अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन नरेश मोहन के साथ संजीव और संजय सूद की रिपोर्ट। सियानाए छलांग वास्ते सब अपने आप ला के वो छलांग मारेगा। जो बहुत बहुत अपना बड़ा झूला लगे है बाहर का पहली फुट का जरा अगे देखने जो है रेंजर झूला पहली बार आया है पूरे पंजाब में। CNI चैनल को लाइक करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर उसे लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।